नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिल्मी लाइफ पर। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के खलनायक संजू बाबा यानी कि संजय दत्त की अपकमिंग फिल्मों के बारे में, जो आजकल अपनी एक्टिंग के दम पर एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दे रहे हैं और कुछ फिल्मों में वह दमदार विलन बनकर भी नजर आते रहते हैं। और अब संजू बाबा की KGF चैप्टर 2, पृथ्वीराज, शमशेरा और अली बाग जैसी कई फिल्में अपकमिंग है, जिसमें वो एक खतरनाक विलन भी बनने वाले हैं और कई फिल्मों का बजट करीब 400 करोड़ रुपए तक है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक संजू बाबा की सभी अपकमिंग फिल्मों के लिए। और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, नंबर एक पर है अभी तक की सबसे मोस्ट अवेटेड मूवी KGF चैप्टर 2, जिसमें आपको संजय दत्त एक खतरनाक विलन के रोल में दिखाई देने वाले हैं। वहीं KGF चैप्टर 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील और आपको इस फिल्म में संजय दत्त के साथ रवीना टंडन, प्रकाश राज और श्रीनिधि शेट्टी जैसे कलाकार दिखाई देंगे। वहीं इस मूवी में लीड रोल में आपको रॉकिंग स्टार यश रॉकी भाई के रोल में और रॉकी भाई को टक्कर देने आ रहे हैं एज अ खतरनाक विलन अधीरा के रूप में संजय दत्त। दोस्तों, अधीरा के विलन के लुक को हम देख के कह सकते हैं कि यह अभी तक का सबसे दमदार विलन होने वाला है, जो कि हीरो को एक कड़ी टक्कर देगा और जरूर ही हीरो से ज्यादा विलन के चर्चे होने वाले हैं। KGF चैप्टर 2 का म्यूजिक दे रहे हैं रवि बसरूर और होमबेल प्रोडक्शन के अंडर में बन रही KGF चैप्टर 2 को रिलीज किया जाना है 14 अप्रैल 2022 को। और दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए, क्या KGF चैप्टर 2 ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो पाएगी कि नहीं? कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपने KGF लेने। वहीं दोस्तों, नंबर दो पर संजय दत्त नजर आने वाले हैं कि हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी में, जिसका नाम होगा पृथ्वीराज और जो कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर बेस्ड होने वाली है। वहीं इसे डायरेक्ट कर रहे हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी और इसमें पृथ्वीराज के रोल में आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार और संजय दत्त प्ले करेंगे इसमें काका का रोल। और इन्हीं दोनों एक्टरों के साथ आपको मिस वर्ल्ड मनुश्री छिल्लर और सोनू सूद भी दिखाई देने वाले हैं। वहीं संजय दत्त की YRF प्रोडक्शन के अंडर में बन रही पृथ्वीराज को कई बार डिले किया गया है, जिसके बाद अब की फाइनल रिलीज डेट 3 जून 2022 रख दी गई है। हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। दोस्तों, नंबर तीन पर संजय दत्त की एक और मोस्ट अवेटेड मूवी है, जिसका नाम है शमशेरा और यह एक पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें वो आपको एक विलन के कैरेक्टर में नजर आएंगे। वहीं उनके साथ आपको रणवीर कपूर और वाणी कपूर भी इस फिल्म में दिखाई देंगी। वहीं दोस्तों, शमशेरा मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं करण मल्होत्रा, जो कि इससे पहले संजय दत्त के साथ अग्निपथ मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं, जिसमें संजय दत्त एक खतरनाक विलन के रूप में नजर आए थे। और YRF प्रोडक्शन के अंडर में बन रही शमशेरा मूवी की भी शूटिंग कम्प्लीट कर ली गई है, जिसके बाद इसे 22 जुलाई 2022 को रिलीज भी किया जाना है। ये कहानी है उसकी, जो कहता था गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती, ना गैरों की और ना ही अपनों की। शमशेरा, शमशेरा, शमशेरा। दोस्तों, इसी के बाद नंबर चार पर है संजय दत्त की काफी हाई बजट मूवी, जिसका नाम है द गुड महाराजा, जिसमें आपको संजय दत्त के साथ गुलशन ग्रोवर, शरद कपूर और भी कई कलाकार दिखाई देने वाले हैं और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं विकास वर्मा। वहीं दोस्तों, द गुड महाराजा इंडो पोलिस वॉर पर बेस्ड होने वाली है, जिसका बजट करीब 400 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है। और इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी गई थी, मगर कोरोना के स्टार्ट होने की वजह से इसकी शूटिंग काफी डिले हो गई है और जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू करी जाएगी, जिसके बाद इसे रिलीज करने का प्लान 17 दिसंबर 2022 तक किया गया है। वहीं दोस्तों, इसी के बाद नंबर पांच पर संजय दत्त नजर आने वाले हैं एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी में, जिसका नाम है घुड़चढ़ी। वहीं घुड़चढ़ी में संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी और टीवी एक्टर पार्थ भी इससे अपना डेब्यू करने वाले हैं। वहीं दोस्तों, टी सीरीज प्रोडक्शन के अंडर में बन रही संजय दत्त की घुड़चढ़ी की शूटिंग भी चालू है, जिसके बाद इसे रिलीज करने का प्लान मार्च या फरवरी 2023 तक किया गया है। इसी के बाद नंबर छह पर अगली अपकमिंग मूवी है संजय दत्त की डॉग हाउस, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें आपको संजय दत्त के साथ परेश रावल और सुनील शेट्टी जैसे कलाकार दिखाई देंगे। और दोस्तों, पहले खबरें आ रही थी कि द डॉग हाउस में आपको फेमस क्रिकेटर MS धोनी भी दिखाई देने वाले हैं, पर ये खबरें पूरी तरह से गलत थी। वहीं इस फिल्म की शूटिंग कोरोना से पहले ही स्टार्ट कर दी गई थी, जिसके कई सारे सीन शूट हो चुके हैं और इसे रिलीज करने का प्लान था 2021 तक, मगर कोरोना की वजह से यह प्रोजेक्ट काफी डिले हो गया, जिसके बाद इसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होगी
और इसे जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर ही 2022 में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों नंबर 7 पर संजय दत्त की अगली एक मल्टी स्टारर मूवी है जिसका नाम होगा अली बाग, और अली बाग एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी होने वाली है जिसमें आपको कई सारे सितारे दिखाई देंगे। इसमें लीड रोल में आपको संजय दत्त, दिया मिर्जा, सुधांशु पांडे, रोहित रॉय, मासून मकीजा, सोफिया चौधरी जैसे और भी कई कलाकार दिखाई देने वाले हैं। और दोस्तों अली बाग को डायरेक्ट खुद ही कर रहे हैं संजय दत्त, और दोस्तों अली बाग की भी शूटिंग लगभग कंप्लीट हो गई है पर कुछ समय के लिए इस प्रोजेक्ट पर रख दिया गया है जिसके बाद हो सकता है कि इसे भी OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज किया जाए। नंबर 8 पर संजय दत्त की अगली अपकमिंग मूवी है अलर्ट 24x7 जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। वहीं इसमें आपको संजय दत्त के साथ रवीना टंडन और अनुपम खेर दिखाई देने वाले हैं और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं सुजैन जोसेफ। और दोस्तों कोरोना की वजह से इस फिल्म की शूटिंग भी रोक दी गई थी जिसके बाद इसे अब जल्द ही शुरू किया जाएगा और 2023 तक इसे रिलीज करने का प्लान भी किया जा रहा है। इसी के बाद नंबर 9 पर संजय दत्त की अगली अपकमिंग मूवी है शेरा जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं सोहन शाह, और इसमें आपको संजय दत्त और विवेक ओबराय एक साथ दिखाई देने वाले हैं। पर फिलहाल यह प्रोजेक्ट होल्ड पर चल रहा है पर इसके लिए संजय दत्त को साइन कर लिया गया है जिसके बाद हो सकता है कि यह मूवी आपको 2023 के अंत तक पर्दे पर देखने को मिल जाए। वहीं दोस्तों नंबर 10 पर है संजय दत्त की काफी सक्सेसफुल फिल्मों की सीरीज का तीसरा पार्ट यानी कि मुन्ना भाई का तीसरा पार्ट मुन्ना भाई 3, और इसे डायरेक्ट करेंगे बाकी पार्ट की तरह ही डायरेक्ट करने वाले राजकुमार हिरानी, और इसमें आपको फिर एक बार मुन्ना और सर्किट की जोड़ी यानी कि संजय दत्त और अरशद वारसी एक साथ दिखाई देंगे। फिलहाल विधु विनोद चोपड़ा ने इसकी स्क्रिप्ट फाइनल कर ली है जिसके बारे में हम कई न्यूज रिपोर्ट्स में पढ़ सकते हैं, और यह फिल्म आते ही बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। तो दोस्तों क्या आप मुन्ना भाई 3 का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वहीं दोस्तों संजय दत्त ने हाल ही में अपना एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वह साउथ की मसालेदार फिल्मों की तरह ही बॉलीवुड में फिल्में बनाएंगे जैसे KGF और पुष्पा की तरह। और इससे पहले हम साउथ की अपकमिंग मूवीज पर वीडियो बना चुके हैं जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली हैं और काफी बड़ा धमाका करने वाली हैं अपनी पिछली साउथ की फिल्मों की तरह। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।